हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद होगा आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा लोग। और चलिए आगे दिखाते हैं वीडियो। आज हम क्या करने जा रहे हैं घर में? ठंडा, कल हवा चली है तब से ठंडा ज़्यादा बढ़ गई है। तो सुबह सुबह हमको आज ठंडा लग रही थी, तो कुछ कपड़े निकाले हैं, बाकी रखने की जगह हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये सब फूल है कपड़ा से, देखिए। तो सबको जा रहे हैं, गर्मी वाला कपड़ा को सबको दोबार के हटाएंगे और ठंडा के कपड़ा ऊपर करेंगे, क्योंकि रात में कल ग्रहण था। तो रात में आए उधर से, बस हम नहा लिया और कोई तो नहीं नहाए, गंगा जल वगैरह अपना छीट लिए लो, क्योंकि जिसको ज़्यादा ठंडा लगेगा उसको ज़बरदस्ती नहाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो बच्चे लोग नहीं नहाए और हम नहाए, या अपना हाथ पैर धो करके और गंगाजल छीट के खाना खा लिए और कंबल सब निकाल दिए हैं। और ये देखिए, ये बैग में और एक कपड़ा है, इसमें पूरा कपड़ा है। और देखिए, और देखते हैं ये कैसे कैसे इसको सहते हैं हम। बच्चे लोग का कपड़ा निकालना होगा, सबको स्कूल जाना होगा और कुछ कपड़ा सब उसमें डालेंगे। और इनका भी टी शर्ट उशर्ट हटा देते हैं, क्या कि बोलेंगे नहीं और लगेंगे हमको डांट। ये सब गर्मी के दिन में अपने पान के दुकान पर रखते हैं। सब कुछ छाट रहे हैं, जगह तो करना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं कपड़ा बाहर निकाल। और ये देखिए, ये सब झोड़ा में पैक करके रखे थे कपड़ा सबको, देखिए। और ये तो ज़्यादा ठंडा लगेगा तभी इसको ज़रूरत लगेगा पहनने के, बाकी शॉल का भी ज़रूरी है। तो शॉल खोज रहे हैं, शॉल ऊपर कर देंगे तो हमारे ही लिए अच्छा रहेगा। रात में बाइक से आने पर हमको बहुत ठंडा लगता है। ये देखिए, ये सब इनका है, जौन जथी में हटता है उथी में हटा देते हैं। मेरा टोपी है, आप लोग देखे होंगे पिछले साल वीडियो में भी डाले थे, यही टोपी यूज करते हैं। और एक चीज़ आप लोग बताइएगा, एक दिन का ये जैकेट है तो ऐसे क्रीच ऐसे ऐसे नहीं हो गया है, इसको बोल रहे थे हम आयरन कर देते हैं, तो कह रहे हैं तो अपना कपार आयरन कर लो। तो ये तो हम जान ही रहे हैं, जिस पर आयरन ले जाएंगे तो ऐसे ही जल जाएगा, फिर भी हम उनको चिढ़ा रहे थे, ये हमको क्या कह रहे हैं। तो हमको गुस्सा हो करके ये बोले जो तुम अपना कपार आयरन कर लो, तो कपार काहे के लिए करेंगे, आयरन नहीं करेंगे। और ये बाबू का है, छुटका का, और मेरा ये है पटियाला सलवार है, इनका मफलर। ये सब एक साइड रख दे, जो दिक्कत नहीं होगा इनको, न तो खोजते हैं कौन मच्छी लाते हैं ज्यादा, तो मेरा हाई समान क्या हो गया। और एक झोला इसमें भी भर के रखा गया है, साल का भी उनको जरूरी लगता है, इनका भी साल रख दे उसको, ये लड़ेंगे नहीं हमसे। ये देखिए उन्नी सलवार, ये मेरा है। ये सब होता है क्या जी, ये ठंडा में आपको ट्राउजर पहनने की जरूरी नहीं पड़ेगा, इतना गर्म्स तो मोटा होता है। और
ये सब। और आप लोग भी अपना ऊनी कपड़ा ऊपर कर लीजिए, काहे कि ठंडा बढ़ गई है और ई घड़ी के ठंडा ठंडा गर्मी जो हो रहा है वो तुरंत अटैक करेगा और तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है सबका का तबीयत तो खराब। अगर जिधर सुनिए उधर सर्दी खांसी बुखार, तो यही होता है क्या जी, इसका इन्फेक्शन फैलने लगता है, एक दूसरे में इन्फेक्शन फैलेगा तो अपने से पहले सतर्क हो जाना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग कीजिए, जो सुबह सुबह अगर गर्म पानी पी करके आप सभी लोग देखिए सुबह गर्म पानी पी रहे हैं, कभी सर्दी कितनों बड़ा सर्दी हो कि बुखार हो और गर्म पानी पीना चालू कर दीजिए, दवा का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमको पहले था जो बार बार सर्दी खांसी होता था, जब से गर्म पानी पीना चालू करते हैं होता है, बाकी तुरंत सही हो जाता है। बाबू को 2 दिन से इनर खोज रहे हैं, इनर नहीं मिल रहा था, आज बताइए इसी झोड़ा में मिला, बार बार इस झोड़ा को निकाल कर देखते थे और इसका इनर मिलता नहीं था, क्योंकि अंदर में पहना देने पर ठीक रहता है। और ये पर्स देखिए कितना, मैंने बहुत सारे से एक पर्स लिए थे, ये पर्स 500 का पर्स है और यूज नहीं करते हैं, मेरे बच्चे लोग को नहीं पसंद पड़ता है, मम्मी ये तुम पर नहीं अच्छा लगता है, हम कहते नहीं इसको हमको यूज करने दो, ये भी बोलते हैं तुम खरीदवा लेती यूज नहीं करती है, सब कहते हैं मम्मी तुम पर सूट नहीं करता है, असल में वो सब देखता है एक ही कलर का पर्स हम, मैंने जब से टांगते हैं तब से वही कलर का पर्स हमको यूज हम करते हैं। और बताइए इसमें क्या मिला है, इसमें है कुछ हो नहीं, बाकी छोटा सा पर्स इसमें मिल गया है। मेरा बच्चे लोग को यही कलर हम पर पर्स सूट करता है, और वो भी पर्स जो बड़ा वाला लेके घूमते हैं वो भी यही कलर का है, ये भी इसी कलर का है, तो अगर कहीं मार्केट गए तो इसको लेके जाते हैं, तो मैंने कम काम रहता है तो आदमी लेके गया और ज़्यादा काम रहता है तो उसको लेके गया, तो एक दिन निकाले जो हम इसको लेके जाएंगे, जैसे ऐसे टांगे इस तरह टांग के लेके चले, तो छुटका कर रहा मम्मी तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कह रहा नहीं, तब फिर इसको रख देते हैं, कभी कामे आएगा टाइमिंग के चाहे इसी तरह रखा रहेगा, भाई बताते हैं जब तुम खरीदवाती है तुम यूज नहीं करती है, खरीदवाओ तो कोई चीज़ को यूज करो। ये कल का वीडियो नहान का डाले थे, जो साड़ी पहने थे उसी पर का ये ब्लाउज का पीस है, बाकी बताइए जी इसमें आदमी 100 रुपये का अस्तर चाहे 50 रुपये का अस्तर खरीद के देगा, और ये 300 रुपये ब्लाउज का सिलाई, तो ये ब्लाउज कौन सिलवाएगा, ब्लाउज नहीं सिलवाएंगे, रख देते हैं साड़ी, दूसरा दूसरा ब्लाउज पर यूज किया जाएगा, साड़ी अच्छा लगता है, साड़ी बहुत सुंदर है, हल्का भी है, और इसका जो ये बॉर्डर है ना, और इसका बॉर्डर हमको बहुत अच्छा लगता है, इसमें का मेरे पास इस बॉर्डर का लहंगा भी है, चंदेरी सिल्क का मेरे पास लहंगा है, तो साड़ी यूज करेंगे, बाकी इसका ब्लाउज नहीं सिलवाएंगे, 300 रुपया ब्लाउज का, और लहंगा का ब्लाउज का 1,1200 रुपया ले रहा है, तो ये बताइए जो उसमें कोई काम नहीं रहता है फिर भी 1,1200 रुपया तो नहीं सिलवाएंगे, इसको धो देते इस तरह कोनो काम में यूज हो जाएगा, और बहुत जायजे ब्लाउज है सो हम सिलवाते हैं, नहीं तो रेडीमेड खरीद लिए हैं, रेडीमेड ही उस पर यूज करते हैं। और चलिए कपड़ा निकला गया और झोड़ा खाली हो गया तो झोड़ा रख देते हैं, ये ठंडा खत्म होगा तो इसको सहारने के जरूरी लगेगा, और अलमेरा में कभी कुछ कपड़ा सब इधर उधर करके कुछ नींव कहीं आने जाने के लिए ऊनी स्वेटर है जैकेट है ये सब को निकाल के अलमीरा में डालेंगे, ठंडा के कपड़ा ऊपर भरो, गर्मी के इसी में आदमी परेशान रहता है। और आप लोग भी बताइए हेलो, ऐसे आप लोग भी करते हैं जो ठंडा के कपड़ा गर्मी के कपड़ा हटाओ ठंडा के कपड़ा निकालो, और ठंडा के कपड़ा जब गर्मी आता है तो ठंडा के कपड़ा हटाओ गर्मी के कपड़ा निकालो, इस तरह आप लोग भी करते हैं तो कमेंट में बताइए हेलो।
एक कंबल सब भी अब सही हार के रख दे। पतला वाला कंबल ठंडा के दिन में ये बेड पर डालने में सही रहेगा। हो गया, सही रह गया ये। और चलिए, और ये अलमेरा का खंड खाली करेंगे, इसमें ऊनी कपड़ा भरेंगे क्योंकि ऊनी कपड़ा भी रखना ज़रूरी है। और जितना साड़ी है उतना हैंगर में करके टांग देंगे, क्योंकि हैंगर में करके टांगने से भी अच्छा रहता है, सब साड़ी सामने रहता है, तालीम की जो मन किया वो पहन लिए। आप फंसा देंगे, और भारी वाला साड़ी नहीं टंगा पाता तो भारी वाला साड़ी सबको। इस पर टांग देंगे तो सही रहेगा। ये सब साड़ी भारी होता है, इतना नाइस में काम रहता है जी, क्या बताएं। ये सब आदमी सब सही हार के रख देगा तो सही रहेगा। और आप लोग को दिखाए थे जो वीडियो में सूट का कपड़ा, उसको देना है सीने के लिए। अब सूट का सिलाई मांग रहा है 250 रुपये, बाकी 200 रुपये पर बात किए, देखते हैं कितना लेता है। और एक चीज़ आप लोग देखिए, यही बाबू का बनियान है, बाबू बनियान को बोलता है लुंगी, तो यही लुंगी है, इसको बनियान बोलते हैं, वो बोलता है लुंगी हमको पहना दो। हंसी लगता है। घर जाना था तो इसको क्या किए, जे ज़्यादा गर्म आयरन हो गया था, देखिए कितना कितना जल गया, कोई कोई जगह जल गया, इतना अच्छा दुपट्टा सब, ये देखिए दिख रहा है जल गया है, एक साइड से सफ़ा जल गया। अब सिलवो करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, बाकी देखते हैं इसको थोड़ा सा इस पर डिजाइन बनाएंगे जो ठीक हो जाए। देखते हैं, ठीक हो गया, जल गया।